इस प्रांगण में सदगुरु का कीर्तन कर रहे हैं। और कल 29 दिसंबर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का पावन दिन है, उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से सारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये उस सदगुरु की हम पर रहमत है कि वो हमको चांस देता है, हमको मौका देता है। वो कहते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको सुंदरन करने का समय मिले, सुंदरन कर लीजिए। क्योंकि कबीरदास से लिखे, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। इस संसार में बाजार खुला हुआ पड़ा है, हर एक चीज बिक रही है, हर एक चीज मिल रही है, लेकिन हम किस कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज वैल्यूएबल है, कौन सी चीज को ग्रहण करना है, किस चीज को लूटना है। अगर बाजार में लोग नोटों की गड्डी उठा करके उछालना शुरू कर दें तो लोग एक दूसरे ऊपर ऐसे पड़ेंगे कि पल्ले किसी के आएगा नहीं, लेकिन चोट दुख जरूर पड़ जाएगा। लेकिन ये लूट ऐसी है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अरे तू फिर पीछे पछताएगा, पीछे पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे छूट रे मना। तेरे को 84 लाख जूनियों के बाद ये मानव देह मिली, इतनी सुंदर देह तेरे को सदगुरु ने दी, इतनी सुख सुविधाएं दी, इतना आराम दिया, तूने उसका सदुपयोग नहीं किया और ऐसे ही अपना वक्त गुजार दिया। तो इसलिए धर्मदास जी ने बताया है, भजन कर मूर्ख मस्तान, सपने जड़ी सृष्टि में तुम छोटे हैं। उन्होंने क्या अनुभव किया जीवन में, रे मना तू आया है संसार में अकॉर्डिंग टू योर कर्म, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, जो तू मेहनत कर रहा है तेरे को फल मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर तू ज्यादा भागदौड़ करेगा मिल तो जाएगा, लेकिन वो तेरे काम नहीं आएगा, वो तेरे को दुख देगा। इसलिए कईयों ने कहा है, किसी बहुत महापुरुषों ने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारे सिंधियों में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो छठी मनाते हैं, छठी, उसके छठवें दिन के उसका भाग्य लिखा जाता है। तो एक बच्चा पैदा हो गया, इस संसार में आ गया, तो ब्राह्मण पंडित जो भी आता है वो उसकी चिट्ठी बनाता है, इसके भाग्य में क्या लिखा है, कैसे कैसे करेगा। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा, भजन कर मूर्ख मस्तान, I'm gonna go out, 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 I'm gonna
घड़ी
I'm not afraid.